स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग. इन दिस वीडियो लेक्चर वी सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम पार्ट फोर्थ. प्लेस ए एंड वी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे. वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार फ्रॉम बी एट सेम टाइम. इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. So what are the speed of two car? Student question समझें. इसमें दिया है कि दो place हैं A and V, जिनके बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर. दोनों points पर दो car खड़ी हैं. ये दोनों car अगर एक ही दिशा में चलती हैं तो ये 5 hours के बाद यानी 5 घंटे बाद वो एक दूसरे से मिल जाती हैं. जबकि अगर वो विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो वो 1 घंटे बाद मिल जाती हैं. तो फिर हमें दोनों कार की स्पीड फाइंड करनी है. नाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. स्टूडेंट्स सी इन दिस फिगर. ये ए और बी ये दो प्लेस हैं जहाँ पर दो कार खड़ी हैं. क्वेश्चन में ये कहा गया कि जब दोनों एक ही दिशा में चलती हैं और डिफरेंट स्पीड से. एक ही दिशा मतलब मान लो ए से चलने वाली कार भी इधर जा रही है और बी से चलने वाली कार भी इसी डायरेक्शन में जा रही है इधर की तरफ. तो जब दोनों कार एक ही डायरेक्शन इधर की तरफ जा रही हैं तो हमने सपोज किया कि ये पॉइंट पी पर मिलती हैं. ये केस फर्स्ट बनेगा. सेकेंड केस ये है कि जब ऐसा होता है कि कार ये इधर की तरफ जा रही है ए से चलने वाली कार और बी से चलने वाली कार जो है वो इधर की तरफ जा रही है, तब कहा जाएगा अपोजिट डायरेक्शन है दोनों का. तो जब इस तरह से चलती हैं कि ये इधर जाती है और ये वाली इधर की तरफ आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों आती हैं, तो ये दोनों फिर यहाँ बीच में आके कहाँ मिलती हैं, क्यू पर. नाउ वी लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए. हम सपोज कर रहे हैं कि ए से जो कार स्टार्ट होती है उसकी स्पीड कितनी है एक्स किलोमीटर पर आवर, ये यहाँ नोट है. और पॉइंट बी से जो कार स्टार्ट होती है यहाँ से जो चलती है उसकी स्पीड कितनी है वाई किलोमीटर पर आवर. स्टूडेंट सीन हियर केस फर्स्ट जो मैंने लिया. इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन. जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगी ना. ये से कहाँ तक, पी तक. हमने बताया यहाँ से यहाँ तक जाएगी. हमने कहा ना पी पर मिलती है. जब ये सेम डायरेक्शन में चलती है तो कहाँ मिलती है, पी पर. तो यानी 5 hours में ए से चलने वाली कार ए से पी पर पहुंचेगी. तो कुल डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, ए पी. पॉइंट बी पर जो कार है ये बी से चल करके कहाँ पहुंचेगी, पी पर. तो इसके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस कितना होगा, बी पी, जो कि 5 hours में कवर करेगी. ठीक. यानी ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 5x. क्यों, क्योंकि स्पीड इसकी x है. तो 5 hours में ट्रेवल डिस्टेंस कितनी हो गई, देखिए यहाँ मैंने बगल में नोट किया, ए पी इज इक्वल टू 5x किलोमीटर और बी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5y किलोमीटर. और यही डिस्टेंस दोनों का क्या हुआ, ये कार ए से चलने वाली कार के द्वारा कुल डिस्टेंस कवर हो गई और ये पॉइंट बी से चलने वाली कार द्वारा टोटल कवर डिस्टेंस ये बी पी हो गई. अब इस क्वेश्चन में देखें, क्योंकि ए वी की डिस्टेंस हमें पता है एग्जैक्ट, ये 100 किलोमीटर है. अगर हम ए पी माइनस बी पी लिखेंगे, ए पी माइनस बी पी, तो हमें क्या मिलेगा, 100 मिलेगा कि नहीं मिलेगा. इसी से हम यहाँ इक्वेशन बनाएंगे. अब ए पी की वैल्यू कितनी है, 5x, बी पी की वैल्यू कितनी है, 5y. देयरफोर इक्वेशन हमें मिला 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100. ये अच्छे से समझें, ए से लेके पी की डिस्टेंस कितनी है, 5x, बी से पी की डिस्टेंस कितनी है, 5y. अब 5x से जब 5y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये भी मिलेगा दे. और ये इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये भी की 100 किलोमीटर. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. इसको हम 5 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो कितना हो गया, x माइनस y इज इक्वल टू 20. स्टूडेंट्स नाउ वी टेक सेकेंड केस. इफ द कार ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन. जब अपोजिट चलेगी यानी ये वाली कार इधर से इधर जा रही है और बी से चलने वाली कार इधर की तरफ आ रही है और ये दोनों कहाँ मिल रही हैं, क्यू पर. तो और ये 1 hour के बाद दोनों मिल जाती हैं. मान लीजिए 1 hour के बाद ये क्यू पर पहुंच जाती हैं और उस समय दोनों से मुलाकात हो जाती है यहाँ. तो ए से चलने वाली कार
वन आवर में जो डिस्टेंस कवर करेगी वो कितना होगा, ए क्यू, ए क्यू इजिकल टू एक्स किलोमीटर। बी से चलने वाली कार वन आवर में जितनी डिस्टेंस कवर करेगी वो कितना हो जाएगा, वाई किलोमीटर। और ये ए क्यू और ये बी क्यू, अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो इजिकल टू क्या मिलेगा, ये भी और ये भी इजिकल टू कितना है, 100 किलोमीटर। देयरफॉर एक्स प्लस वाई इजिकल टू क्या मिल जाएगा, 100, दिस प्लस दिस, ये पूरी डिस्टेंस एक्स, ये पूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वाई। वन आवर में कवर डिस्टेंस ये है, वो भी वन आवर में कवर डिस्टेंस है, तो एक्स प्लस वाई इजिकल टू क्या मिला हमें, 100। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई दोनों का कोफिशियंट सेम है, y का साइन अपोजिट है, इसलिए दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, देखिए अब सब ऐड करेंगे तो y और y कैंसिल हो गया, 2x इजिकल टू 120, देयरफॉर x इजिकल टू 60। नाउ वी पुट x इजिकल टू 60 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, सेकंड यही है देखिए सामने, x प्लस y इजिकल टू 100, तो 60 प्लस y इजिकल टू 100, देयरफॉर y इजिकल टू क्या मिल गया, 40। हैंस द स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम ये, दैट इज एक्स है, एक्स किलोमीटर पर आवर, तो क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट वी इज इक्वल टू वाई, हमने सपोज किया था वाई की वैल्यू 40 है, देन 40 किलोमीटर पर आवर। थैंक यू, प्लीज़ वीडियो शेयर एंड लाइक।